हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन करी, जो आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा। तो इसमें हम बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले, जैसे बाहर के जो चिकन करी मसाला होता है और जो सूखे मसाले होते हैं, कुछ भी नहीं डालेंगे। जो हमें घर में जब रोज़ करी बनाने के लिए डालते हैं, जिंजर गार्लिक वगैरह, बस वही यूज़ करेंगे और बिल्कुल टेस्टी चिकन करी बनाएंगे, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे टेस्टी क्रीमी चिकन करी बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े प्याज। हम 1 केजी बना रहे चिकन, तो हिसाब से हम 4 अनियन लेंगे बड़े, उसे रफली चॉप कर देंगे। टमाटो लेंगे 3, उसे भी रफली चॉप कर देंगे। और हम जिंजर गार्लिक भी लेंगे। गार्लिक हम 1 पूरी जो कली की वो होती है उसकी पूरा वो लेंगे, और 1 इंच जिंजर लेंगे, और 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 जिंजर लेंगे। 2 हरी मिर्च भी लेंगे, ये पूरी लहसुन, 1 बड़ी वो कली जो आती है उसकी बड़ा वो पूरा है लहसुन। ठीक है, गार्लिक। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट चिकन। 1 केजी चिकन है गाइस, ये हमने वॉश करके अच्छे से साफ करके प्लेट में रख दिया है। जब इसकी बारी आएगी तब हम इसे डालेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने वापस कुकिंग स्टार्ट करने पे। तो ये हमने अनियन 4 बड़े रफली चॉप काट के रखे हुए थे, हमने ऑयल डाल रखा है कुकर में, बनाएंगे जल्दी बनता है, गैस भी बचती है और टाइम भी बचता है, तो हम कुकर में बनाएंगे। हम सारे अच्छे से तेल जब गर्म हो जाए, आप हाथ रखना थोड़ा सा ऊपर कुकर के, आपको अगर हीट महसूस हो तो आप तब डालना। ठंडे तेल में कभी भी अनियन नहीं डालते, तो हम गरम तेल में सारे अनियन हमारे डाल देंगे। प्रॉप आराम से डालना, दूर होके डालना, कहीं आप पे तेल ना आए, इसलिए ढंग से आराम से स्लोली डालना, कहीं की जल्दी नहीं क्योंकि तेल गरम है। ठीक है गाइस, अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने सारे अनियन डाल दिए हैं, देखो आप कितने अच्छे सिजल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा, ताकि जो ऑयल है उस सब पे लग जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, तो मिक्स कर दिया हमने। अब इसे छोड़ देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम हमारे प्यूरी की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसमें हम डालेंगे, हम जल्दी बना रहे हैं तो हम शॉर्टकट लेंगे, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल दिए हमने, और जो हमने 3 रफली चॉप्ड टमाटो काटे हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं एक साथ। मैं कभी भी प्याज ग्राइंड नहीं करती फ्रेंड्स, क्योंकि प्याज अनियन को हम अगर पकाएंगे तभी उसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब हम उसे ग्राइंड कर देते हैं ना, तो उसका वाटर पूरा रिलीज़ हो जाता है, और फिर अगर हम उसे रोस्ट करेंगे तो उतने अच्छे से रोस्ट नहीं होता है जितने अच्छे से वो बिना ग्राइंड करे हुए अगर हम रोस्ट करें तो रोस्ट होता है। तो मैं प्याज ऐसी करती हूँ रोस्ट, फ्राई या जो भी कह लो आप, और ये मैंने इसका प्यूरे बना दिया है। ठीक है, अब हम अनियन को चेक करते हैं क्या हाल चाल है अनियन के। इस थोड़ा है ब्राउन हो गया है, थोड़ा बाकी है, इसे थोड़ा होने देंगे हम अच्छे से ब्राउन, फिर हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। अब चेक करते हैं क्या कैसे लग रहा है।
क्लोज आ गया है ब्राउन होने के, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। देखो गाइस जलाना नहीं है, ठीक है। अनियन अब हम इसमें सारा चिकन डाल देंगे। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, पर क्या करें, अभी थोड़ी मैंने ख़राब करी अपनी वॉइस, ठीक हो जाएगी। अब हम इसमें सारा चिकन डाल देंगे एक एक करके। सारा चिकन डाल दिया था तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अनियन के साथ। अब इस हमें 5 मिनट अच्छे से रोस्ट करना है, बिना कुछ डाले, कुछ भी नहीं डालना है। 5 मिनट इसे अच्छे से रहने देना है, रोस्ट करना है। जब 5 मिनट्स हो जाएंगे आप घुमाते रहना कर्च आपके जो भी यूटेंसिल है उससे। तो देखो 5 मिनट्स में इसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है जहाँ जहाँ मार्क्स आए होंगे। अब हम इसमें सारी प्यूरी डाल देंगे, प्यूरी डालेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। देखो इस प्यूरी में टमाटो, जिंजर, गार्लिक है और 2 ग्रीन चिलीज है, ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो। और सॉल्ट वगैरह भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो कम खाता है वो कम डाले सॉल्ट। हम मैं तो ठीक ठाक खाती हूँ तो मैं उस हिसाब से डालूँगी। तो सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। पहले हम डालेंगे टर्मरिक, हल्दी स्पून देख लो हिसाब से, 1 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा और हाफ से कम और डाला है, और 1.5 मतलब 2.5 सॉल्ट, क्योंकि 1 kg चिकन है और चिकन थोड़ा मीठा हो जाता है जब अपना पानी रिलीज करता है, जो उसमें पानी होता है ना। और ये 1.5 मिर्च डालेंगे स्पून, टीस्पून, और 2 बड़े टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये मिक्स कर दिया है मैंने और ये अब ऐसा कुछ लग रहा है। अब हम इसमें इसको कवर कर देंगे, कम से कम 10 मिनट 10 मिनट्स बहुत होंगे, क्योंकि हमने 5 मिनट पहले भी रखा था। अगर हम 5 मिनट पहले रखते तो 15 मिनट्स रहते। आप 10 मिनट्स इसे कवर कर दो कुकर को अपने, और फिर जितना आपको ग्रेवी बनानी है उतना पानी डालो। मैंने इतना पानी डाला है इसमें, मेरे को नॉर्मल ग्रेवी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक, मीडियम। तो उस हिसाब से आप पानी डालना, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो मैंने कवर करके अब ये पक गया है, और लास्ट में जो आपको दिख रहा है ना बीच में थोड़ा, ये मैंने घी डाला है 1 चम्मच, आप भी डालना और फिर देखना आपका टेस्ट क्या चेंज हो जाएगा, कितना टेस्टी लगेगा। अब हमारी चिकन करी एकदम रेडी है सर्व के लिए।